हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुक शो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी, स्पाइसी और एकदम चटपटा सा स्नैक्स लेके आई, जिसे आप इजली घर में बना सकते हैं और हफ्तों तक रख के इसे आराम से खा सकते हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो भी इसे आसानी से लेकर जा सकते हैं, ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया है, इसे पहले हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे। हमें पूरी तरीके से पाउडर नहीं बनाना है, हल्का दरदरा रहने देना है। तो बस हम एक बार ग्राइंडर चलाकर इससे एक बार पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सूजी का आटा बनके तैयार है, इसे एक बर्तन में रख लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मंगरेला और अजवाइन, 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, आप किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं जो भी आप खाते हो। अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हाथ में एक मुट्ठी उठाकर देखेंगे हम आटा की इसमें जो रिफाइंड ऑयल डाले हैं वो परफेक्ट है या नहीं, खासतौर नमकीन के लिए। तो ये देखिए, अगर हाथ में आपका आटा बाइंड हो जा रहा है अच्छी तरीके से, यानी कि इसमें रिफाइंड ऑयल एकदम परफेक्ट डाला हुआ है। उसके बाद हमें इसका एक डो बना के तैयार करना है। इसके लिए हम ठंडा पानी का यूज़ नहीं करेंगे, हल्का गुनगुना पानी का यूज़ करेंगे और नमक स्वाद अनुसार। आपको सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, थोड़ा हार्ड डो बनाना है इसका, जैसे आप पूरी बनाते हो बिल्कुल उसी तरह। तो इस तरीके से मैं इसका एक हार्ड डो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा डो बन के रेडी है। तो अब हम यहाँ पे एक मीडियम साइज का पेड़ा बना लेंगे इस तरीके से, देखिए। उसके बाद अभी से हम बेलना शुरू करेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि आपको चारों तरफ से बराबर बेलना है, ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम इसे पतला बेलें, लेकिन हाँ, इसे ज़्यादा मोटा ना बेलें, मीडियम साइज का बेल सकते हैं। जितना भी आपसे बेलाए आप चारों तरफ से मिलाते हुए बराबर कोनों में बेलें, ताकि कोई कोना भी आपका मोटा या पतला ना रहे। तो यहाँ पे मैं ना ज़्यादा पतला बेल रही हूँ और ना ज़्यादा मोटा, मीडियम साइज का बेल रही हूँ। देखिए, चारों तरफ से घुमाते हुए और कोनों को बराबर करते हुए इस तरीके से मैंने शीट बेल लिया है, मीडियम, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। अब हम इसे लंबा लंबा कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1-1 इंच की दूरी पे लंबा लंबा पहले इसे कट कर रही हूँ इस तरीके से, देखिए। उसके बाद आप चाहो तो इसे स्क्वायर शेप में कट कर सकते हो या फिर डायमंड शेप में। तो डायमंड शेप देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से डायमंड शेप में भी हम 1-1 इंच की दूरी पे ही कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डायमंड शेप में भी इसे कट कर लिया है। मैं आपको एक उठा के दिखाती हूँ, ये देखिए। बाकी बचे जो मेरे आटे हैं उसका मैं उसे भी मैं इसी तरीके से कट कर लेती हूँ। अब है इसे फ्राई करने की बारी। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और इसे गैस पे चढ़ा दिया है। रिफाइंड ऑयल को हम गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा रिफाइंड ऑयल अच्छी तरीके से हीट हो गया है, तो अब गैस के फ्लेम को हम एकदम मीडियम कर देंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके जो मैंने कटिंग्स किए हैं उसे इसमें डालेंगे। आप ध्यान रखें कि एक ही बार आप उठाकर ना डाल दें, 2 या 3 कट्स को उठाकर आप कढ़ाई में डालें। इससे क्या होगा कि आपका जो आटा है वो एक दूसरे में चिपकेगा नहीं और एकदम खिला खिला नमक पारा बन के तैयार होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में डालें और इसे चलाते जाएं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि मैं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और फिर इसे चला दे रही हूँ, ताकि कोई भी एक दूसरे में चिपके ना। अब आपको दोनों तरफ से अच्छी तरीके से इसे फ्राई करना है और गोल्डन होने तक इसे अच्छे से कुक करना है। तो मीडियम फ्लेम पे मैं इसे दोनों तरफ से टर्न करते हुए अच्छे से कुक कर रही हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस के साथ ये करना है, जल्दबाजी में फ्लेम को हाई करके आपको इसे जलाना नहीं है। तो ये देखिए, हमारा धीरे धीरे गोल्डन होने लगा है और ये देखने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, एकदम खिला खिला। तो यहाँ पे हमारा फ्राई होके अच्छी तरीके से रेडी है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं, देखिए कलर कितना अच्छा आया इसका, एकदम गोल्डन ब्राउन। इसी तरीके से मैं दूसरे बैच को भी फ्राई करके निकाल लूँगी। तो ये मैंने दूसरा बैच भी अच्छे से गोल्डन कलर का फ्राई करके निकाल लिया है। इसे टिश्यू पेपर पे निकालें या फिर कोई भी किचन पेपर पे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब एब्जॉर्ब हो जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नमक पारा फ्राई होके रेडी है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बॉल लिया है, इसमें मैं सारे नमक पारे को डाल दूंगी इस तरीके से। अब है इसमें ट्विस्ट कि आप कौन सा मसाला इसमें डालें कि आपका नमक पारा एकदम चटपटा, स्पाइसी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैगी का मसाले मैजिक ऐड कर रही हूँ, ये देखिए। इसे ऐड करने से आपका नमक पारा का टेस्ट काफ़ी
बढ़ जाता है। मार्केट वाले स्नैक्स की तरह ये आपको टेस्टी लगेगा खाने में। तो मैंने इसमें एक पैकेट पूरा डाल दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। अब दोनों मसालों को अच्छे तरीके से हम ट्विस्ट करते हुए मिलाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा सारा मसाला जो है नमक पारे में अच्छी तरीके से मिल गया है। तो चलिए इसे एक बॉल में सर्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा टेस्टी, हेल्दी और एकदम चटपटा सा नमक पारा बनके तैयार है। इसे आप एक कंटेनर में बंद करके भी रख सकते हैं और हफ्तों तक खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को जरूर आप ट्राई करें और घर पर बनाकर इंजॉय करें और हमें कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो इसी तरीके से मैं आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।